कक्षा 10 एक्सरसाइज 5.3 अब हम इसका आठवां प्रश्न करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं आठवां प्रश्न क्या है। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18। तो इस एपी का प्रथम 51 पदों का योग हमें निकालना है, यानी S51 हमें निकालना है, और इसका हमें दूसरा और तीसरा पद यानी कि A2 और A3 हमें दिए हुए हैं। A2 है 14 और A3 है 18। तो इसमें हमें S51 निकालना है। SN का फार्मूला होता है N/2 (2A + N-1)(D), यानी हमें तीन चीजें पता होनी चाहिए A, N, D, जिसमें से N पता है, S51 है, 51 पदों का योग निकालना है, इसका मतलब N हो गया 51। उसके बाद D हमें अभी नहीं पता, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, तीसरे में से दूसरा पद माइनस कर देंगे तो D प्राप्त हो जाएगा। यस, तो 18 में से 14 माइनस कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 4। तो इसका मतलब D हमें प्राप्त हो गया, और यदि हमें D प्राप्त हो गया तो A तो हम निकाल ही लेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं D बराबर होगा A3 माइनस A2 के, यहां से D आ गया, A3 है 18 और माइनस A2 है 14, 18 में से 14 माइनस करें तो D बराबर आ गया 4। ठीक है, अब A1 निकालने के कई तरीके हैं। यदि मैं चाहूं तो A1 का फॉर्मूला भी डाल सकता हूं, यदि मैं चाहूं तो A2 में से D माइनस कर दूंगा तो वो मेरे पास A आ जाएगा ना। ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, चार चार का अंतर है, देखने से पता लग जाता है। तीसरा पद है 18, दूसरा पद है 14, पहला पद कितना होगा 10, 14, 18 है ना। तो इसलिए इसमें हम A कैसे कर सकते हैं, मैं यहां लिख सकता हूं A2 माइनस A1 बराबर होगा D के। A2 कितना दिया हुआ है 14 माइनस A1 बराबर है D के, D कितना आया है 4, 14, A1 को उधर ले जाओ ये प्लस का हो गया, 4 इधर प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस, 14 में से 4 निकाले तो A1 का मतलब होता है A, यानी कि A हमारे पास आ गया है 10 के बराबर। ठीक है, अब हमें निकालना है S51। आइए हम S51 इधर करते हैं, ये S है, ये 51, तो इसका फार्मूला है N/2 (2A + N-1)(D), और यहां पे मैं N लिख देता हूं। SN का फार्मूला है 2A + N-1)(D) के बराबर, राइट। तो देखिए S51 किसके बराबर होगा, N कितना है 51/2 × (2×A), A कितना आया है 10 प्लस N कितना है 51 माइनस A गुना D कितना है 4 के बराबर। ठीक है, आइए हम इसे हल कर लेते हैं। 51 और 2 ये आपस में भाग नहीं होते तो इनको ऐसे छोड़ देते हैं, यहाँ आ गया 2 × 10 = 20 प्लस 51 में से 1 माइनस किया 50, 50 को 4 से प्लस कर दो 200, तो ये हो गया 51/2 × 200 में 20 प्लस कर दो 220, 2 से 220 कट गया 110। इसको हमें आपस में गुणा करना है। सबसे पहले 51 को 110, पीछे 0 है इसलिए मैंने आंसर में नीचे लगा दिया 0, अब यहाँ बच गया 11, 11 को 51 से गुणा कर दो, 11 एकम 11, अंकल आया 1, 11 पांच 55 और 1 56। इसका मतलब इस एपी के प्रथम 51 पदों का जो योग आ गया वो आ गया 5610, यानी कि 5610। तो आप लिख दोगे प्रथम 51 पदों का योग बराबर 5610।
ठीक है, यही इस प्रश्न का हल है।